कमेंट करो ना यार, वीडियो देखते हो कमेंट करो, कमेंट कमेंट करो भाई। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नोयान, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कराची रिएक्शन। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो है हमारी कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नोट्स की, जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं पैह, उसका कंपैरिजन है। और ये वीडियो है 3 मिनट 9 सेकंड की, और कामरान भाई की वीडियो। तो जाएगा कि उनको सब्सक्राइब लाइक उनसे कुछ, बहुत बड़ा शाउट आउट दे दिया भाई को। और क्या बोलते हैं, नोट्स और करेंसी की बात करें, और करेंसी को साइड में रख के हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में या वो जो डॉलर चल रहा है 160 पे आ गया है, पहले ये था 172 का। और डॉलर के यार जब रेट वगैरह जब होते हैं ना यार, ये कि बढ़ते हैं, तो करेंसी और जो नोट्स की आपकी डी वैल्यू होती है। तो ये जो करेंसी और जो नोट्स है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन इतनी ख़राब आपकी, और क्या बोलते हैं, और करेंसी और स्टॉक एक्सचेंज में इतना भेदभाव हो रहा होता है कि आपकी जो जो नोट है और जो करेंसी, वो इतनी तबाह बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नोटों की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, इंडिया में मत जाना भी, ठीक है। ये बात पाकिस्तान की कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में नोटों की करेंसी की क्या वैल्यू है, क्योंकि डॉलर को लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। जब डॉलर हाई जाता है तो आपकी जो नोट है, आपकी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू ख़त्म, डी वैल्यू, मतलब वो भाई महंगाई होती है ना, महंगाई। जब महंगाई होगी तो यार हर चीज़ बढ़ेगी, जब हर चीज़ बढ़ेगी तो बेरोज़गारी, फिर बेरोज़गारी तो काम नहीं। तो बस मेन चीज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कंट्रोल खुद को करना है, तरक्की होगी, काम होगा यार, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी पे काम होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएशन हो रही है पर उनके लिए जॉब्स नहीं है, बस एग्जॉस्ट, दिल एग्जॉस्ट होता है ना। तो मैं ऐसी कड़वी बातें बोलता हूँ, पर लोगों को ऐसा बोलता है भाई क्या बोल रहा है, ये कड़वी बातें नहीं है भाई, ये सच्चाई है, पर तुम मानते नहीं हो तो क्या करें। बट गाइस, खैर कहीं और ही लेके चले गया मैं वीडियो, मतलब करेंसी नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही बातें करना शुरू हो गया। तो गाइस पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या कंपैरिजन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूनिक हैं। तो गाइस चैनल पे यार अगर नहीं होना तो यार वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी करो यार, आप लोग कमेंट करो ना यार, वीडियो देखते हो कमेंट करो, कमेंट कमेंट करो भाई। तो लेट्स जंप इन द वीडियो, 1 2 3। पाकिस्तान, इंडिया, करेंसी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करेंसी नोट कंपैरिजन, ओरिजिनल वीडियो मिस्टर कामरान भाई। इंडिया की करेंसी चेक करते हैं पहले, पॉइंट्स आइए ना आपको भी। आइए ना बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50 रुपए। वाह यार बड़ा अच्छा, मतलब काफी अच्छा नोट बनाया वैसे, 100 रुपए, 1000 में उनका अच्छा बनाया हुआ है। ये इसरो, इसरो की स्पेस स्टेशन कुछ था लग रहा था, 2000, नाइस। पाकिस्तान पे आ जाए, 1 रुपया, अबे यार ये 1 रुपया कितना पुराना है ना, 2 रुपए, अच्छा चांद वाले बादल एक वो
और बनाया था, और एक जिसमें छान वाले बदल थे वो भी अलग थे। 500 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। मतलब यार इसमें कंपैरिजन क्या है भाई? मतलब ये तो दिखा रहे हैं कि मतलब कि यार ऐसे नोट पाकिस्तान के, ऐसे नोट उसके, अच्छा क्या कंपैरिजन है? मतलब कैसे दिखते, कैसे ये है, बस क्या कंपैरिजन भाई? ये बताओ 5,000 अच्छा लगा मेरे पास भी है। दिस विल जस्ट फॉर नॉलेज, नॉट फॉर योर कंफ्लिक्ट। ओहो गाइस, इसमें कंपैरिजन तो मुझे कहीं से नजर नहीं आया कि भाई कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन जो होता है ना, कंपैरिजन का मतलब क्या पता है आपको? कंपैरिजन का मतलब ये होता है भाई, आप एक तो आपने यार ये चीज़ दिखा दी, एक तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की टक्कर की चीज़ है, अब आप इसमें से ये बताना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ में ये कम है, किस में वो ज़्यादा है, किस में ये कम है, इसको करना है कंपैरिजन। ये तो बस ये है कि एक तरफ यार ये नोट है, एक तरफ ये वाली यार एक या वो वाली चली है, और एक तरफ ये वाली यार ये की करेंसी, एक तरफ ये करेंसी, एक तरफ ये करेंसी, ये देख ली, देख ली, कंपैरिजन तो है ही नहीं। बट लिख दिया भाई ने तो बस हो गया कंपैरिजन। बट वीडियो अच्छी बनाई है, जो बात है सीखने को मुझे ये मिला इसमें कि इंडिया के नोटों के बारे में मुझे नहीं पता था कैसे दिखते हैं क्या, मतलब इन्होंने बिल्कुल हिस्ट्री बता दी कि कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट है, ये जानने का मौका मिला। अच्छे मतलब एवरेज जो होता है, बट कंपैरिजन इनको चाहिए था कि अभी ये बताते हैं कि वहाँ के नोट की वैल्यू कितनी, और अब जैसे कि भाई यहाँ पे मैं KFC या मैकडोनल्ड का अगर हम लेना यार एक बर्गर लें तो 150 तक का एक नॉर्मल यार एक बर्गर आ जाता है, 150 का आपको नॉर्मल बर्गर, जिंगर बर्गर की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल या जो बर्गर होता है ना, मतलब KFC या मैकडोनल्ड या बर्गर लैब या बर्गर किंग, मतलब वट एवर, या वो जो वेंडर्स खोले हुए हैं अपने अपने यार या प्रोडक्ट जो छाप रहे हैं, ठीक है उनका बर्गर ले लेना। मतलब एक मैंने वो बताया, एक जो होता है ना यार, मतलब स्टैंडर्ड के लिहाज से वाला बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो जो क्या बोलते हैं अंडे वाला बर्गर 60 रुपये का वाला बर्गर की बात नहीं कर रहा, उसके बता रहा हूँ वो 150-200 में आपको एक अच्छा नॉर्मल एवरेज बर्गर विथ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कन्फर्म नहीं है या कोल्ड ड्रिंक डील आती हुई 150-200 में मिल जाता है। अब इंडिया का नहीं पता, तो इस ये होता है कंपैरिजन के, या भाई इंडिया में 100 रुपये में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये होता है कंपैरिजन, ठीक है ना भाई। इंडिया में 100 रुपये में आपको ये डील मिल सकती है, मतलब इतनी वैल्यू यहाँ पे 100 रुपये की, हमारे यहाँ ये वैल्यू है, वहाँ पे क्या है, ये होता है कंपैरिजन, ठीक है। बट खैर अच्छी वीडियो भाई ने, बड़ी अच्छी बनाई है, और नो ऑफेंस भाई, इंडिया के नोट भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के नोट भी अच्छे हैं। तो भाई इस वीडियो पे मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत चाहिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दें। ये थी आज की वीडियो, इस पर मैं और कुछ और बोल नहीं सकता, बाकी लंबी करनी है कहानी अगर सुनानी तो सुना देता हूँ कि भाई डॉलर के रेट बहुत हाई चल रहे हैं पाकिस्तान में, और वैल्यू डिवैल्यू हो चुकी है, और हर चीज़ के रेट आसमानों पर पहुंच चुके हैं, और टमाटर के रेट भाई, टमाटर जो भी हुआ ना महंगा, वह भाई इतना महंगा हो गया है क्या बताऊँ, कि ऐसा लग रहा है कि शादी ब्याह में जो देते हैं ना, जो सोने की चीज़ें देते हैं लड़की वालों को, अब तो मुझे लग रहा है कि टमाटरों को सेट देने पड़ेंगे अब लड़कियों को, कि भाई तुम टमाटर टमाटरों की ज्वेलरी बनाओ, मुझे तो ये लग रहा है। आज मैंने ऐसा मैं चिल हुआ हूँ, फिर आज मुझे आ रही हंसी, बहुत मुझे हंसी अपने पर भी आ रही है, और हालात देख के भी हंसी आ रही, क्या करें। अब देखो कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय आप लोगों से बातें ही कर सकते हैं, तफरी माना मजाक इंजॉयमेंट ही कर सकते हैं, बाकी यार रिएक्शन
बस यही होता है जो होता है दिल में, अब फेक बन के और रट्टा लगा के नहीं दे सकता, जैसे बाकी जो रिएक्शन चैनल जो खोले हुए ना, लड़कियां बैठी हुई हैं उनके साथ, एक दो लड़के बिठाए हुए हैं, चार चार लड़के बैठ के दे रहे हैं, दो दो लड़कियां बैठ के दे रही हैं, तीन तीन मतलब लड़का लड़की बैठ के दे रहे हैं, पता है नहीं वीडियो चल गई क्या बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट का नहीं पता क्या देखा, ये नहीं पता, ये नहीं बता सकते इस वीडियो में देखा है, बता नहीं सकते क्या है, बड़ी अच्छी वीडियो है ये है वो ये वो। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करो, जो लोग काट रहे ना उनको काटने ना दो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा अकल है, तुम लोग उनको व्यूज़ देते हो, लाइक्स देते हो बिला वजह के, बिला वजह के, मतलब वो मतलब बस इधर उधर की बात है, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो, बाकी यार अल्लाह मालिक है, और अपना अपनी फैमिली देश वालों से इमोशन है कुछ बाद में, भाई को हमेशा याद रखें मैं, और ऐसी वीडियो और लंबा फिक्र नहीं करो, कंपैरिजन वीडियो तो भरपूर है, देखो कंटेंट तो बहुत है। अब हाँ ये कि मेरी वीडियो को देख के कॉपी करने वाले बहुत है, मैं आपको नाम बता दूंगा अभी कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जो कि मेरे से मेरे बाद आए और अब उनके सब्सक्राइबर्स लाख में चले गए, बट मैंने ज़रा ये कि बीच में ज़रा छोड़ा भी था, तो ये मेरी गलती है खुद की, क्योंकि मेरे पास भाई मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करता, मैं ये नहीं कि मेरा फुल टाइम है, ये मेरा साइड वर्क है, मेरे पास अपना भी और एक बिजनेस है तो मैं वो भी देखता हूँ, तो मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करता, बट सारी बात ये है कि वो में कुछ लड़कियां भी थीं, चार पांच लड़के भी थे, कुछ लड़कों में लड़कियां भी थीं, और अभी भी बन रहे हैं जो एक लड़का एक लड़की बैठ जाते हैं आके, इतने बड़े गले पहन के, हाफ स्लीव पहन के या शर्टें पहन के, बस सारी बात है ठरक की, और इन फ्यूचर में तुम्हारी ठरक मिटा दूंगा, फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा एक ज़रा टाइम आ जाए, मैं भी लाऊंगा कोई एक मतलब दोस्त ही लाऊंगा, अपनी फिक्र नहीं करो, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा बहुत, बस ये चलता रहेगा कंटिन्यू, बस थोड़ा सा सपोर्टिव रहो यार, सपोर्ट, चलो वीडियो पे आते हो लाइक करो कमेंट कर दो बस, बाकी वीडियो देख तो लेते हो ना, एंजॉयमेंट तो करते हो और क्या, बाकी ये जो पीछे जो बज रहा है ना, ये जो ढोल पासे, ये जो साउंड सिस्टम बज रहे हैं वो इग्नोर करो, इनको नहीं रोक सकते हम, सो बहुत बात है, मैं बता दूंगा, मैं सबके चट्टे पट्टे खोल दूंगा कि कौन कौन सी वीडियो इन लोगों ने वैसे मेरी कॉपी की है, जो पहले मेरी वीडियो चली है ना उसके बाद इन लोगों ने उस वीडियो को देख के अपनी वीडियो बनाई है, मैं बता दूंगा सब, सब पता है मुझे, वो तो मैं बस बोलता नहीं हूँ, बाकी मुझे पता है कि कौन कितने पानी में और किसके पास कितना कंटेंट है, कौन कॉपी करता है, सही हो।